रामाचार्य जी uh, जो इस इन वर्ड्स के ऊपर बहुत बुक्स भी हैं वीडियोस भी हैं और वर्कशॉप्स भी होती हैं पावर ऑफ नाउ एंड यू गेट व्हाट यू मैनिफेस्ट एंड लास्ट वन इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सो वेदर ऑल दीज थिंग्स वर्क और ऑट्स ऐसे ही है मन बहलाव है कुछ नहीं रखा इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि जो तुमको चाहिए उसको तुम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो यही है ना yes. उसी का संबंध मैनिफेस्टेशन से भी है yes. कि जो चाहिए उसको खूब सोचा करो तो तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा मिल जाएगा यही है ना या इससे कुछ अलग होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह यही है तो इसके लिए तो ज्ञानी लोग बोल गए हैं ना कि कामी को काम चाहिए और लोभी को दाम चाहिए तुमको वो मिल भी गया जो तुम चाहते हो तो क्या तो क्या तुम्हें वो मिल भी गया जो तुम चाहते हो तो क्या और बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो चाहें वो आपको मिल जाता है तो क्या कामी को कामी। लोभी को तो तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल भी गया तो क्या अध्यात्म इसलिए थोड़ी होता कि तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल जाए कामना पूर्ति के लिए थोड़ी होता है अध्यात्म कामना पूर्ति तो और नए नए नर्क पैदा करती है वही सजा वही सजा होती है कामना के पूरा होने की लो कामना हो गई पूरी अब झेलो बुद्ध ने पूछा था एक बार वो पूछते थे बताना कोई दुख है तुम्हारा आज जिसमें तुम स्वयं सम्मिलित न रहे हो अतीत में बताओ कोई दुख जो तुम्हारे सामने कभी सुख बन के नहीं आया था आज का कोई दुख बता दो जो अतीत का सुख नहीं था और आज का कोई दुश्मन बता दो जो अतीत का दोस्त नहीं था बता दो आज का कोई शोषित बता दो जो अतीत का शोषक नहीं था बोलो कामनाएं ही तो भारी पड़ती हैं ना कामना अगर ज्ञान से उठे तो कहलाती है मुमुक्षा ज्ञान में भी कामना उठती है पर तब कामना यह रहती है कि आजाद हो जाऊं मुक्ति चाहिए और ज्ञान होता नहीं हमारे पास तो हमारी सारी कामनाएं कहां से आती हैं? अंधेरे से भीतर जो बेहोशी जो नशा छाया हुआ है वहां से हमारी सारी कामनाएं आती हैं और जब बेहोशी से कामनाएं करोगे तो उनका पूरा होना तो और भारी पड़ेगा ना कामी चाहे काम लोभी चाहे दाम जो तुम हो वैसी तुम्हारी कामना होगी तुम्हारी कामना तुम्हारी बीमारी को और बढ़ा देगी किसी को हो गया किसी को मधुमेह हो गया किसी को हाइपरटेंशन हो गया एक को इसलिए हुआ क्योंकि उसकी जबान पे शक्कर चढ़ी हुई थी एक को इसलिए हुआ क्योंकि उसकी जबान पर नमक मसाला चढ़ा हुआ था यही तो हुआ है ना अब बीमार हो गए हैं, और बीमार होकर अभी कामना क्या है वही कामना है जिससे बीमारी आई थी तो आपकी कामना ही से आपकी बीमारी आई है और कामना करोगे तो बीमारी और बढ़ेगी आप जैसे होते हो उसी अनुसार तो आपकी कामना होती है ना कि नहीं होती है हम्म दिक्कत सारी यह है कि हमने धर्म को कामना पूर्ति का बना लिया साधन धर्म को क्या बना लिया दे दो दे दो दे दो दे दो और सामने हमने अपने एक खड़ी कर ली है कोई छवि क्योंकि ये बात थोड़ी अजीब सी हो जाएगी कि मांग तो रहे हो पर देने वाला कोई नहीं है तो मांग किससे रहे हो भाई हमारा जगत में जो व्यवहारिक अनुभव रहता है वो ये रहता है ना कि मिलता तभी है जब कोई देने वाला होता है मूल बात है कामना मूल बात है कामना हमें चाहिए तो कामना पूरी हो सके इसके लिए जरूरी है कि हम किसी को रचे जो देने वाला कहलाए नहीं तो बात एब्सर्ड हो जाएगी कि मांग तो रहे हो देने वाला कोई है नहीं तो देगा कौन तो इसलिए फिर आदमी ने आदिकाल से आज तक एक छवि की रचना करी है जो देती है उस छवि की रचना करना समझ रहे हो ना हमारी विवशता क्यों है कि कोई होगा तभी तो देगा और हमें तो चाहिए हम भूखे प्यासे लोग हैं कामनाग्रस्त हमें तो चाहिए तो फिर सामने रचा जाता है कि ये देगा कौन दे रहा है पूरी दुनिया में तो कोई देता नहीं तुमको इस लायक नहीं तुम वो देगा वो वो कौन है ऊपर वाला दाएं वाला नीचे वाला तमाम तरीके की पूरी दुनिया में अलग अलग समुदायों में अलग अलग धर्मों में अलग अलग कालों में देने वाले के बारे में अलग अलग मान्यताएं और छवियां रही हैं अरब चले जाएं वहां अलग है देने वाला अमेरिका चले जाएं वहां अलग है चीन चले जाएं तो वहां एक पार्टी है जो दिया करती है वो कह रहे हैं कोई देने वाला और नहीं छोड़ेंगे हम बस अब सीसीपी है वही देगी और उसके अलावा नहीं कोई देगा पर देने वाले की आवश्यकता हमेशा पड़ती है कहे कि हमें कहीं पे सगुण देने वाला कहीं निर्गुण देने वाला आप अरब चले जाएंगे तो वहां देने वाला कहा निर्गुण है आप भारत आ जाए तो यहां बहुत समुदाय जहां कहते देने वाला सगुण है लेकिन ले दे के बात यह है कि वो देने वाला है इसलिए बढ़िया है मस्त है देता है ना देता है वो देता है हम कहते हैं कि हम पे कृपा करना या कर्म करना तो कृपा कहो या मेहर कहो या कर्म कहो पीछे पीछे उम्मीद बस एक होती है क्या मिलेगा 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 और जिसको जो चाहिए होता है उसी के अनुसार वो अपने लिए पूज्य विषय चुन लेता है समझ में आ रही है बात लोभी किसकी पूजा करेगा दाम की तो उसका अगर कोई देवता है तो उस देवता का नाम भी दाम देवता होगा आप अगर पशुओं के मन में प्रवेश कर सकें हा? तो आप पाएंगे कि बिल्ली अगर पूजा प्रार्थना कुछ कर रही है ऐसे ऊपर कह ले ऊपर वाले दे दे तो वो ये नहीं कहेगी कि पुष्प वर्षा हो वो कहेगी मूश वर्षा हो क्योंकि जिसको जो चाहिए वो उसी अनुसार अपनी प्रार्थना बदल लेता है जोड़ लेता है उसी अनुसार वो देने वाले की छवि की कुछ कल्पना कर लेता है जिसको जो चाहिए बस वैसे ही तो बिल्ली के लिए एक हो जाएगा चूहे के लिए दूसरा हो जाएगा सियार या चीते के लिए कुछ और हो जाएगा गाय के लिए कुछ और हो जाएगा अब समझ में आ रहा है धर्मों के नाम पे इतनी लड़ाइयां क्यों होती हैं क्योंकि सबने अपनी अपनी कामना के अनुसार अपनी अपनी छवियां रच रखी और छवियां होती हैं अलग अलग बिल्ली को जो चाहिए वो चूहे को नहीं चाहिए तो बिल्ली और चूहा इतनी ईमानदारी कभी नहीं दिखाते कि बोले कि हमारी तुम्हारी देखो कामना अलग अलग है हमारे तुम्हारे लोभ और स्वार्थ अलग अलग हैं वो ये कह देते हैं मेरा भगवान अलग है तेरा भगवान अलग है इसलिए हम लड़ रहे हैं अरे भगवान तो क्या है जो तुमने रचा है वो तुम्हारे ही अपने स्वार्थवश रच दिया है जो असली सत्य है उस तक जाने की तुम नियत कभी दिखाते ही नहीं ना तुम तो अपने ही मन को पूजते हो अपनी ही छवि को पूजते हो अपने ही प्रतिबिंब को पूजते हो, हो और इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है कि तुम अपनी ही पूजा करने लगो आ रही है बात हाँ बात कुछ जमी या एकदम मुद्दे से इधर उधर ही रही हम्म हमेशा पूछा करिए कोई भी बात आपके सामने अध्यात्म के भेस में लाई जाए इसमें कहीं कामना पूर्ति तो नहीं छुपी हुई है ये अट्रैक्शन ये मैनिफेस्टेशन ये सब क्या है आ, बेटा मजे लेने के लिए कहीं कुछ चल रहा हो धर्म के नाम पे बस ये पूछिएगा इसमें मजे कहां है हम जो करते हैं वो करते तो इसीलिए कि थोड़ा सा सुख और मिल जाए भले झूठा हो सुख पर मिल जाए धर्म के क्षेत्र में भी हम यही करते हैं हम झूठ को ही पूजना शुरू कर देते हैं अलग अलग तरीकों से और जो लोग अपने आप को नास्तिक बोलते हैं वो फिर इस तरीके के चीजों को पूजना शुरू कर देते हैं पर पूज वो भी अपनी कामना को ही रहे हैं। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए ये तूने बहुत बढ़िया बात बोली बच्चे समस्या बस छोटी सी है कि तुझे पता ही नहीं है कि तुझे क्या चाहिए 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 तो ठीक है हा? मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए और मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल करके रहूंगा सब सुना है ना निब्बा वॉच मुझे जो चाहिए वो मैं पा के रहूंगा और फिर बिजली कौनती है और इससे पहले कि बिजली पूरी कौंध पाए साढ़े आठ सेकेंड की रील खत्म हो जाती है इतना ही दिखाते हो चाहिए हाँ भाई तुम्हारा अधिकार है पूर्णता का जीवन जीना लेकिन तुम्हें पूर्णता चाहिए ही नहीं तुम जो चाह रहे हो वो बिल्कुल अंडबंड बात है उससे तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं सचमुच तुम्हें जो चाहिए उसका तुम्हें कुछ पता ही नहीं है क्योंकि कुछ पता तो तब चले जब थोड़ा मन को जीवन को देखो धर्म में इतनी बातें बता दी जाती हैं बस एक ये नहीं बताई जाती बात क्या कि सबसे पहली चीज है पहला कदम है स्वयं से परिचित होना अपने प्रति ईमानदारी धर्म का 80 प्रतिशत है 80 प्रतिशत बात क्या है धर्म के क्षेत्र में धार्मिक आदमी की कि सबसे केंद्रीय पहचान क्या होगी अपने प्रति ईमानदारी होगी यह बात बताई ही नहीं जाती है और धर्म ग्रंथों में भी ज्यादा नहीं लिखी है बताओ क्यों नहीं लिखी है क्योंकि जिन्होंने लिखी थी वो बड़े भोले लोग थे वो एक स्तर पे एक ऊंचाई एक आसमान पे बैठे थे उनको ये ख्याल ही नहीं आया कल्पना ही नहीं आई कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो धर्म के नाम पर भी खुद को झूठ बोलेंगे तो उन्होंने शुरुआत ही ये मानकर करी कि मेरे ग्रंथ के पास आएगा ही वही जिसमें कुछ ईमानदारी होगी कृष्ण जरूर गीता में समापन से थोड़ा सा पहले अर्जुन को बोल देते हैं कि बेटा देखो जो लोग सत्य में कोई श्रद्धा ही ना रखते हो उनके सामने गीता कभी मत खोल देना हम्म और फिर और आगे चल करके गीता से लगभग एक हजार साल बाद शंकराचार्य आते हैं तब तक माहौल और बिगड़ चुका था तो वो कहते हैं कि हम शर्तें और कड़ी कर रहे हैं तो कहते हैं ये ये चीज़ें हैं जो आप में होनी चाहिए इसके बिना आप अध्यात्म में प्रवेश के हकदार नहीं हो तो वो आपके सामने चार शर्तें रखते हैं और उन चार शर्तों में भी जो षड संपत्त है उसमें छः अलग से तो कुल मिला आप समझ लीजिए कि तीन और छः नौ नौ दस आपके सामने शर्तें रख देते हैं साधन चतुष्टय नाम से कि ये शर्तें पूरी करते हो तो ही मैं कह रहा हूँ ये दस शर्तें भी आप थोड़ा अलग रखें उनके सबके केंद्र में क्या है ईमानदारी मेरी हालत क्या है मैं स्वीकार तो करूँ नहीं तो ऐठ के चलने का तो फिर कोई इलाज ही नहीं है हालत है खराब और चल रहे ऐंठ के शरीर की बीमारी भली होती है वो दिख तो जाती है मुंह सूख जाएगा वजन गिर जाएगा कुछ और लक्षण प्रकट होंगे तो ऐठ चली जाती है जो मन की बीमारी होती है ना इसमें आप बिल्कुल ऐठे ऐठे पूरी जिंदगी गुजार सकते हो मैं तो ऐसा धार्मिकता की में अस्सी प्रतिशत यही है अपने प्रति ईमानदार रहना साफ साफ मानना मैं कौन हूं मेरी क्या हालत है और ऐसा नहीं है कि वो हालत बहुत प्रकट रहती है बहुत ज्यादा अपने आप को वॉच करना पड़ता है तब पता चलता है बात क्या है बहुत ज्यादा एक बार में नहीं होता हफ्तों महीनों सालों तक लगातार अपने ऊपर नजर रखनी होती है अभी अभी क्या हुआ था ये क्या चल रहा है किस शब्द का मुझ पर क्या प्रभाव पड़ता है किस घटना का क्या प्रभाव पड़ता है किसी ने कोई ऐसी बात बोल दी जो चापलूसी जैसी है उससे क्या हुआ मुझ पर मैं अभी यहां प्रवेश कर रहा हूं कि मुझे माला पहना रहा है यह मौका है पकड़ने का कि मुझमें अभी सम्मान की लालसा कितनी बची हुई है मैं यहां चला आ रहा हूं कोई फूल फेंक रहा है मेरे ऊपर अरे यही तो मौका है देखो कि वो जो तुम्हारे पर फूल पड़ रहे हैं भीतर से प्रतिक्रिया या उठ रही है और इसमें कोई अपने आप को दोषी ठहराने की या अपने को साधु बताने की कोई बात नहीं दोनों में कोई बात नहीं है बस मौका है कि पकड़ लो कि भीतर क्या छुपा हुआ है मौका है यही मौका है ये मौके बार बार आते नहीं कोई आ गया सामने से व्यर्थ गाली देगी यही तो मौका है क्योंकि अब हर घंटे तो कोई आपको गाली देगा नहीं आप आचार्य प्रसार थोड़ी हो तो आपको कभी कभार पड़ती होगी तो जब पढ़े तो देखोगे भीतर से क्या प्रतिक्रिया उठी समझ में आ रही बात ये ये है ये धार्मिकता है और ये नहीं है तो कुछ भी आप इधर उधर का करते रहो उससे कुछ नहीं हो जाएगा जो व्यक्ति स्वयं से ही परिचित नहीं जरा भी वो क्या धार्मिक बनेगा और धार्मिक माने फिर कोई सब नहीं कि पूजा पाठ कमंडल वगैरह धार्मिक माने धार्मिक सत्य से प्रेम है वो धार्मिक कुछ समझ में आ रही है बात कामना पूर्ति पकड़िएगा ठीक है नहीं समझ रहे कामना पूर्ति पकड़िएगा कोई व्यक्ति आके आपको अगर प्रलोभन दे रहा है कि कामनाएं हो जाएंगी पूरी मेरे पास आना गड़बड़ है कोई जगह कोई प्रथा कोई परंपरा कुछ भी अगर इस नाते टिकी हुई है कि वहां कामना मुराद इत्यादि पूरी होती है गड़बड़ है नहीं धार्मिक नहीं है दुकान है धार्मिक नहीं है दुकान है जो चाहते हो, वो मिलेगा दुकान है धार्मिक कौन सी जगह माने फिर जहां कामनाएं उघेड़ दी जाती हैं, जहां कामनाओं का यथार्थ सामने लाया जाए वहां कहना यहां धर्म है ये धर्म है, ये धर्म है। कुछ बन रही है बात हम्म हाँ जी कामिका गुरु कामिनी लोभी का कामी कामिका गुरु कामिनी लोभिका गुरुदा कबीर का गुरु, का का गुरु का संत है सन्तन का गुरु कबीरा संतन का गुरु का कामिका गुरु कामिनी लोभी यो भिका गुरुदा कामिका गुरु कामिनी कभी का गुरुदा कबीर का गुरु संत है संतन का गुरु राम कबीरा संतन का गुरु राम क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो क्रोध क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए कबीरा जाति वर्ण कुल खो कामी क्रोधी लालची इन से भक्ति न हो क्रोधी लालची इनसे इन से भक्ति न हो भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए कबीरा जाति वरण कुल खो